अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो अभी हमने तरावियाँ पढ़ी और आप सब के लिए हमने दुआ भी मांगी। तो आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे पूरे रमज़ान में। इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे और आपके लिए ही दुआ मांगेंगे। सबसे पहले मैं एक मिस्टर शुएब और लल्लू साहिब को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लल्लू तुम सुधरोगे नहीं, रमज़ान गुज़र जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सुधरते हो कि नहीं। तुझ में तो इतनी सी ही गैरत नहीं है मेरे लल्लू, तमीज़ नहीं है तुम्हें, ऊपर रमज़ान शुरू हो गया और तेरी कुत्ते वाली भौंक वैसे ही चालू है, तुम ख़त्म नहीं कर रहे हो। हाँ, तो इंशाल्लाह रमज़ान गुजर जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितने पानी में हो। कुत्ते 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 की तरह भौंकना नहीं छोड़ोगे तुम। ये जो तुम कुत्ते की तरह भौंक भौंक के सबको रिपीट कर करके बता रहे हो कि ये वो ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, सब ये कर रहे हैं, ये जो तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो ना, ये सब लोग देखते हैं, उन सबको पता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तुम कुत्ते की तरह नहीं भौंक के उन सबको बताया करो, क्योंकि जो वीडियो अपलोड होती है वो सब लोग देख लेते हैं, तेरी भौंक नहीं सुनते। तो कुत्ते, मैंने तुम्हें पहले भी बताया बोला था कि सुधर जाओ, अपनी वीडियो बनाओ, अपने बारे में शेयर करो, अपनी लाइफ शेयर करो, अपने घर वालों के वीडियो बनाओ, अपने बच्चों की वीडियो बनाओ, जो तुम खुद कर रहे हो वो लोगों को दिखाओ। लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरोगे, तुम तो कुत्ते की भौंक पे रट लगा के बैठ गए हो, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हो तुम। तो मेरे लल्लू, टेंशन नहीं लो, रमज़ान ख़त्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तुम्हें इज्जत रास नहीं है। मेरे पास एक कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पैसों के लिए अपनी ही इज़्ज़त बेच देता है, तो लोगों की क्या इज़्ज़त देखेगा ये। तू तो इतना दल्ला है, तू तो पैसों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर सकता है, गैरत नहीं है तुझ में। ये जो साथ में पेपड़ी बिठा के बिठाई हुई है तूने, इसको तो मेरे भाई साइड पर बिठा के ब्लॉग बनाया कर, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो अक्ल नहीं है मेरे भाई, मेरे लल्लू, बिल्कुल ही अक्ल नहीं है तुम्हें, ज़रा सी शर्म नहीं है कि रमज़ान शुरू हो गया है तुम फिर भी अपनी भौंक बाज नहीं आ रहे हो, वैसे ही कुत्ते की तरह भौंकते जा रहे हो। कुछ तो सोचो मेरे भाई, कुछ तो सोचो, आगे रमज़ान शुरू हो गया है, अपनी कुत्ते वाली भौंक जो है ना उसको ख़त्म करो, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ शेयर करो, लोगों को बताओ अपने बारे में, लोगों के बारे में नहीं बताओ, जो लोगों को तुम जो कुछ तुम भौंक भौंक के बता रहे हो ना, लोग यही सब कुछ लोग वो देखते हैं वीडियो में। तुम तो मदारी हो मदारी, जैसे वो किसी स्टेशन पे या किसी बाज़ार में कोई मदारी आके बैठ जाता है कोई शो दिखाने के लिए, तुम वही हो, बांदर की तरह नचते रहते हो हर टाइम, बात कुछ होती है आगे बढ़ाकर कुछ सुनाते हो दिखाते हो, तुम एक नंबर के लल्लू हो एक नंबर के। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मेरे भाई, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर पूरी दुनिया के सामने तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, ये तुम्हें बता रहा हूँ। शर्म करो थोड़ा, आगे रमज़ान शुरू हो गया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का नाम लो, तौबा करो और अपने लिए दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो, नहीं कुत्ते की तरह भौंकना नहीं छोड़ोगे तुम। कुत्ते, अब तो शर्म कर ले थोड़ी। तो रमज़ान शुरू हो गया है माशाल्लाह, आप लोग तो मिस्टर लल्लू, तुम्हें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सुधर जाओ, अब रमज़ान शुरू हो चुका है, रमज़ान के बाद फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद आपसे मैं मुलाकात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे गलत गलत बात किसके ऊपर कैसे करते हैं।
ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। लल्लू रोज़े रख, अल्लाह की इबादत कर और तौबा कर, ठीक है। आज की वीडियो इतनी थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं सॉरी, मिलते हैं रमज़ान के बाद, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा पूरे रमज़ान में, सही है। रमज़ान के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।